पहाड़ पर भारी बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। चमोली में भयानक लैंडस्लाइड, पाताल गंगा के पास भारी भूस्खलन, ये वीडियो खौफ पैदा करने वाला है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे मलबा पहाड़ से नीचे गिर रहा है। बड़ी बड़ी चट्टाने और मिट्टी नीचे गिर रही है। सब तरफ गुबार नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड की हैं। इस इलाके में भारी बारिश के बाद से अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो चुका है। कई इलाकों में बारिश तो रुक गई है, लेकिन पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगी है, जिसकी वजह से ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब दूसरे कैमरे से देखिए, ये तस्वीरें लैंडस्लाइड वाली जगह से बेहद करीब से ली गई हैं। देखिए ये कितना भयानक मंजर है। देखते देखते लाखों टन मलबा पहाड़ से नीचे गिरने लगा। एक पल तो ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट जाएगा। लैंडस्लाइड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अगर कोई इसकी चपेट में आता तो जान बचना मुश्किल होता। देखिए इसकी रफ्तार कितनी तेज थी। चंद सेकंड के अंदर मानो यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। मलबे की चपेट में आने वाले सैकड़ों पेड़ तिनके की तरह उड़ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में बरसात के दिनों में कहीं भी कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, लिहाजा सावधान रहें। हाईवे बंद होने के बाद दोनों ओर यात्री फंस गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं, साथ ही बीआरओ की टीम भी मलबा हटाने के काम में जुट गई है। लेकिन ये लैंडस्लाइड इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि रास्ता साफ करना आसान नहीं होगा। यात्रियों को आने जाने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। कल ही चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर ही लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर सामने आई थी, और 24 घंटे के अंदर ही ये दूसरा बड़ा भूस्खलन हो गया। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, चमोली। उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जिलों में हालात काफी खराब हैं। सीएम योगी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है। मानसून की बारिश पहाड़ों पर कहर बरपा रही है। यूपी में नदियां उफान पर हैं। नदियों में सैलाब से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों के किनारे रहने वाले लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बलरामपुर और अयोध्या की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए सीएम योगी ने आज पीलीभीत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। पीलीभीत में बाढ़ का कहर जारी है। आलम यह है कि कई इलाकों में तो नाव चलानी पड़ रही है। एक जगह बाढ़ का पानी कम होता है तो दूसरी जगह पानी बढ़ जाता है। 150 गांव इससे प्रभावित हैं। लाखों लोग बाढ़ बारिश से परेशान हैं। एयरफोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं लखीमपुर खीरी की। यहाँ शारदा और घाघरा नदी में भीषण बाढ़ आ गई है, जिससे जिले की 5 तहसीलें बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। उधर नेपाल से आए बाढ़ के पानी ने बाराबंकी में हाहाकार मचाया है। बाढ़ के चलते तराई के दर्जनों गांव बाढ़ में डूब गए हैं। शाहजहांपुर में भी मुसीबतों की बाढ़ से लोग परेशान हैं। बलरामपुर में राप्ती नदी उफान पर है। तटबंध में कटान को रोकने की कोशिशें जारी हैं। हालात बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं
और इन 12 जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। और मैं आज स्वयं भी पीलीभीत और लखीमपुर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। जनपद लखीमपुर में आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो लोग वहां पर हैं उनकी मदद भी की जा रही है सरकार के द्वारा लगातार। पूरे देश से बाढ़ बारिश की परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मुंबई में मौसम का रेड अलर्ट, स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश। कुदरत के भयानक ट्रेलर से सावधान। मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बेहद कम वक्त में बेहिसाब बारिश ने सिस्टम को धराशायी कर दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक ही दिन की बारिश ने मायानगरी मुंबई की हालत खस्ता कर दी है। दौड़ते भागते शहर पर बारिश ने ऐसा ब्रेक लगाया है कि हर किसी के चेहरे पर आने वाले खतरे की झलक साफ देखी जा सकती है। सांता क्रूज, कोलाबा, बायकुला, माटुंगा, सायन, दहिसर, राम मंदिर और विक्रोली में कुछ ही घंटों के भीतर बारिश ने जबरदस्त नुकसान किया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा से आई इन तस्वीरों को देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने गांव के गांव लील लिए हैं। अचानक आई मौसम की साफत की वजह से सैलाब के बीच कई लोग फंस गए। कोलरी गांव में फंसे इन लोगों को पहले तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन तक खबर पहुंचाई गई और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद लोगों को इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल से भी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां 2 घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी नदी में अचानक सैलाब आ गया, जिस वजह से एक महिला उफंती नदी के बीच फंस गई। लेकिन एक शख्स ने उफंती लहरों के बीच न सिर्फ अदम्य साहस दिखाया बल्कि इस महिला को सैलाब के शिकंजे से सुरक्षित निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीरें भी देख लीजिए। शारदा, देवहा और खकरा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और इसका नतीजा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पीलीभीत की गली गली तक सैलाब ने दस्तक दे दी। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां बाढ़ के पानी का कब्जा है। पानी ने यहां अमीरी और गरीबी का भेद मिटा दिया है। ऑफिसर्स कॉलोनी में सैलाब पहुंच चुका है, लोगों के घर डूबे हैं। पीलीभीत जैसा ही हाल शाहजहांपुर का भी हो चुका है। खन्नौत नदी का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। सैकड़ों आशियाने सैलाब में समा चुके हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मैदानी इलाकों की इस तस्वीर के बाद अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें। यहां शिमला में ब्यास नदी विकराल रूप ले चुकी है।
जिसका असर निचले इलाकों पर साफ देखा जा रहा है। फिलहाल लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसी जगहों पर जाने के लिए साफ मना किया गया है जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड की आशंका लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। सीएम योगी ने पीलीभीत में बाढ़ के हालात का जायजा लिया है। सीएम योगी ने हवाई सर्वे भी किया और पूरनपुर तहसील क्षेत्र के चंदिया हजारा में बाढ़ राहत शिविर में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री दी है। बता दें कि पीलीभीत में पिछले कई दिन से बाढ़ का कहर जारी है। लाखों की आबादी बाढ़ का दंश झेल रही है। मुंबई में भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मुंबई में आसमानी आफत। बारिश ने थामी रफ्तार। कहीं घरों में घुसा पानी। कहीं डूब गए स्टेशन। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे माया नगरी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे चमचमाती सड़कों का शहर कहा जाता है। लेकिन ये सारी उपमाएं मौसम के आगे ठहर जाती हैं। शुरुआती बारिश में ही मुंबई का हाल बेहाल हो गया है। वर्ली स्टेशन किसी झरने में तब्दील हो गया है। मुंबई गोवा हाईवे पानी में डूब गया है। माटुंगा में गाड़ियां डूबने की कगार पर। दीवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। मूसलाधार बारिश ने सांता क्रूज का हाल बेहाल कर दिया है। नवी मुंबई में बारिश साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिन मुंबई पर कैसे भारी पड़ सकते हैं। अंधेरी का सबवे हर बार की तरह इस बार भी सैलाब में समा गया है। आसपास से गाड़ियों के गुजरने की मनाही है क्योंकि कभी भी यहां हादसा हो सकता है। आजाद नगर में बारिश किस कदर हुई इसका अंदाजा ये कार देख कर लगाया जा सकता है। भांडुप स्टेशन भी प्रचंड बारिश में डूब गया है। जहां पटरियां साफ नजर आती थी वहां पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। एहतियात के साथ ट्रेन को धीरे धीरे चलाया जा रहा है ताकि लोगों को अपनी जगह तक पहुंचाया जा सके। कुरला में भी बारिश ये बता रही है कि साल भर किए गए इंतजामों का बारिश में क्या हाल हो जाता है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हो रहा है। इसकी बड़ी वजह है कुछ दिनों पहले तक पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बारिश। हम आपको दिखाते हैं कुछ दिन पहले तक पहाड़ों पर बारिश का कैसा मंजर देखने को मिल रहा था। मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गईं। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं,
उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी तांडव कर रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अलकनंदा नदी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है जो खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का नतीजा यह है कि सारी नदियां उफान पर हैं। हालत ऐसी हो गई है कि रामनगर की कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन लगातार वहां से हटा रहा है। उधर पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है।